कुणाल कुमार साहब को ले लेते हैं जनाब। अहलन। हेलो मुफ्ती जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा ये नकी अहमद साहब स्टेज छोड़ दीजिए, जो भी स्टेज छोड़ दें। जी जी कुणाल भाई। जी मुफ्ती साहब नमस्कार, मैं एक हिंदू हूँ जी, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरा क्या होगा, मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं, और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम है, और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को जिम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमान है कि गैर मुस्लिमों तक, यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन तक अमानत पहुंचा दी जाए कि वो अपने रब को पहचाने और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह मियां मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर एक मिनट आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फौत हो जाते हैं इस हालत में, इस हाल में जी, इस हाल में आप फौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, कुरान की शर्त है। ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी इंजीनियर हूँ मैं। जी तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आपसे कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी उसका 70% मैं डोनेट कर दूंगा। ठीक ठीक है, तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी काम करने वाली आती है, वो मुस्लिम है। ठीक तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50%, मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी तो लगभग 40-50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ, क्योंकि उन बहुत गरीब हैं ठीक है और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है, उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी लिए भी मैं, उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी, ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे? आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब, यानी जॉब आपकी क्या है? आप आईटी, आपने बताया आईटी है? आईटी में काम करता हूँ, आईटी में, अच्छा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स है मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपने चैनल का? यूट्यूब चैनल, तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा उसके जो लिए, डीजी जैसे बायोग्राफी हो गई। आपका जो लाइफ स्टाइल है, यानी इंडिया के एतबार से आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, यानी एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे बाबा जो थे वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको भगवान आपको माशाल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, सेहत कोई सेहत मसला की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम फैमिली को सपोर्ट जवाब कर रहा देने लगा हूँ। मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए जी जो गैर मुस्लिम हजरात जो खुदा को नहीं मानते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं, आप मुसलमान, एक आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो खुशियां हैं, जो आसानियां हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में है। अल्लाह ताला जो है उसने कुरान करीम में जगह जगह अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जगह जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई, या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है, उसने डिग्रियां हासिल कर रखी है लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है, और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो आप करोड़ों में अगर, और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है, ये महज उस ऊपर वाले का फजल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी,
आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी आपके मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो आपके आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है जी। लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ। अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ इटर्निटी जी जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूंगा क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। ठीक, तो वहां जाकर तो मेरे को एक मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साहब भाई, फिर मैं आपको कह दूंगा जी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने कहाँ जुर्म कम किया है और सजा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कहना है ना? नहीं, हाँ मेरा जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो मेरा कोई कसूर है नहीं है या मेरा कोई कसूर? आपसे दो सवाल है इस सवाल में, दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं, पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई तो वो तो ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये दो सवाल हुए ना, दो ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, मान लिया ठीक है, और मुस्लिम भी उसके बनाए हुए सच्चे वो है जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई है, मैंने उनको 4 दिन की आ रहा है बार बार खटखटी आवाज जी जी, जैसे अभी ठीक आ रही है जी जी, जैसे कि वो जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पर गई हैं तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं। ठीक है, और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे नहीं सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनकी उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ तो फिर अल्लाह मुझे नरक में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब यह है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए। एक आदमी ये कहता है कि मैं मेरे महल्ले में एक गरीब आदमी रहता है, जब जब मैं उस गरीब आदमी को देखता हूँ तो मैं उसको उसकी झोली में 1 रुपया जरूर डालता हूँ, लेकिन साथ में वो आदमी रोजाना एक कत्ल भी करता है। तो महज इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में 1 रुपया डालता है, उसके कत्ल का जो गुनाह है वो माफ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में फर्क है ना? तो इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मजहब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद करता है तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है कि जिसका सबसे बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी वो हक तल्फी करता है, तो हक तल्फी का गुनाह तो उसको मिलेगा, उसकी सजा भी उसको मिलती है। तो मुफ्ती जी, आप मेरे जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ तो आप इस चीज को मैं क्या समझूं कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा जुल्म करार दिया, यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे बड़ा जुल्म है। और अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है वो इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमत है, उसकी विजडम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज अनलिमिटेड है। जो आदमी खुदा का इंकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स का इंकार करता है, और जब अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स का इंकार होगा तो सजा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेर जी। तो वैसे मैं, मेरे को मेरे जवाब मिल गए हैं। रही बात आप जैसे ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी जमाने में आज से 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन तक की बात पहुंची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप मसलन मेरे तक पहुंचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुंचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज मौजूद है, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये उजुर आपका खत्म हो गया कि मैं महज एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ आपके पास, और आप चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुंच सकते हैं, उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उजुर आपके लिए नहीं है।
ठीक है, वो मैं मुफ्ती समझ गया कि मैं कुरान के डिटेल्स में जन नहीं। एक मिनट रुकिएगा ना, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना यार मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है बात करें आप, बड़ी अच्छी बात चल रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है, दोस्त बहुत हैं यार पीछे उनके साथ ज्यादा। बस मुझे एक कंक्लूजन करके जाने दो, फिर मैं जा रहा हूं अपना, एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा ले जेल ले लें जी जी मुफ्ती जी, देखिए आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में चलूंगा क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूंगा, और जो आपने मुझे ये बताया है उसकी मैं क्लिप काट कर अपने यूट्यूब चैनल पर लगाऊंगा कि हिंदू कोई भी मदद ना करे क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो झंडुम में जलेगा, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। कुणाल साहब आपका आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब किए गए इस्लाम के बारे में कि हम ये समझते हैं कि एक हिंदू जो है वो, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि मूर्ति पूजा करता हूँ इसीलिए मैं जहन्नुम में जलूंगा, भाई एक मुसलमान भी अगर मूर्ति पूजा करेगा तो वो भी जो है ना वो इनक्रेडिटली वो भी जो है ना वो जहन्नुम की आग में जलेगा। ये चीज जो है बड़ी, मैं इससे मुख्तर सी बात कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। जज़ाकअल्लाह जबरदस्त। एक चीज अच्छा, मेरे ख्याल से एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो भाई आए थे उन्होंने कहा हमारी वीडियो क्लिप अलग से डालेंगे, इसका तो अंदाजा मुझे पहले से ही था कि डालेंगे। अच्छा इसीलिए तो मैंने सारी बात की है कि डालें, यानी अगर अच्छा, हमें कोई चीज छुपानी होती तो क्या हम यहाँ बैठकर वो बात कहते जो हमने कही है? हम तो चाहेंगे कि हमारा ये पैगाम एक एक हिंदू के घर तक पहुंचे, कि खुदा की जो इबादत है वो उनके ऊपर जरूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं। तो हमारे जो कुणाल साहब आए थे ये हमारे ऊपर एहसान करेंगे कि हमारी क्लिप अगर सारे हिंदुओं तक पहुंचाएं। रही बात के वो मुसलमानों की अगर मदद तो वो मुसलमानों की मदद अपने लिए करते हैं, यानी उनके अंदर एक चीज अच्छाई, अगर उनके अंदर उनके जमीर की अच्छाई थी इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन अगर वो मदद करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो चीज अच्छी लग रही थी वो हमारा महज ख्वाबो ख्याल था, वो दरअसल अच्छी नहीं थी, वो एक तरह का ग्लैमर था जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना लिया था। हकीकी तौर पर ये लोग जमीर के एतबार से अच्छे नहीं है, यही वजह है कि वो एक गरीब की मदद करते करते फौरन हट जाएंगे इसलिए कि उनको एक हकीकत बात और सच्ची बात पता चल गई। और मुफ्ती साहब जब उन्होंने ये सारी मिसालें दी थी तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि लास्ट में यही कंक्लूड करेगा कि मैं उसकी मदद छोड़ दूंगा और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा जब उसने ये सारी मिसालें दी। एक चीज मैं दो तीन यहाँ बातें करना चाहता हूँ। अच्छा ये मुफ्ती साहब को ना या हम दोस्तों को ये क्लिप काट के भरम इस तरह देते हैं जैसे ये पहले करते नहीं है, ओ भाई कितने क्लिप कटे हैं, जैसे हम डर जाएंगे, जैसे हम डर जाएंगे ओहो जी क्लिप कट गया तो अब बात चेंज कर लो, जो आकर वो रहेगा। हाँ अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये जो मुफ्ती साहब ने कहा कि एक लेयर वो क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द, उस बारे में सूरह काफ के अंदर बड़ी प्यारी अल्लाह ताला ने मिसाल दी। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल इनसे कहें कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए अल्लाह के रसूल इनसे कहें क्या मैं तुम्हें सबसे खसारे वाले आमाल की खबर ना दे दूं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि अल्लाह कहेगा कि कल क़यामत के दिन इनके अमाल खसारे में इसलिए चले जाएंगे कि ये सोच ये रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं मगर कर असल में वो गलत काम रहे थे, उनको बेस नहीं पता थी। अच्छा ये तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पहले तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपके चैनल का जो 800,000 सब्सक्राइबर का भरम आपने दिया इधर लिंक भी कर दीजिएगा पब्लिक में ताकि हम भी देख लें कौन सा क्लिप आपने काटना है मुफ्ती साहब का, हम भी देखें। एक चीज, तीसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अंदाजा करें कि एक बंदा अपने जुर्म को इस वजह से जस्टिफाई कर रहा है कि वो उस घर में पैदा हुआ है। इस तरह तो हर चोर का बेटा अपनी चोरी को इसलिए करेगा जी मैं चोर का बेटा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया अकली तौर पर किस बंदे को सराहती है जो गरीब घर में पैदा होकर स्ट्रगल करके अमीर बने या अमीर बाप का अमीर बेटा हो? बहुत अच्छा, आप कोई बंदा ये उजर पेश कर सकता है? मतलब इसीलिए वो जॉब्स की, स्टीव जॉब्स की बात मुझे बड़ी, वो कहता है कि कोई इसमें कबाहत नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, मसला ये है इफ यू डाई पुअर, इफ यू डोंट स्ट्रगल, ठीक है स्ट्रगल हार्ड, तो मसला ये है। ये उजर अल्लाह के सामने क्या, ये इंसानों के सामने नहीं चल सकता, तो अल्लाह तो फिर अली मुंबई जाते सुदूर है। बहुत शुक्रिया कि मैं जी इस घर में पैदा हुआ। एक हदीस आ रही है आमिर भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुरज़कून बिदुआफाइकुम, कि तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने इर्द गिर्द जो तुम्हारे कमजोर लोग हैं माली एतबार से तुम उनकी मदद करते हो। एक आदमी अगर
मान लीजिए मदद कर रहा है, मसलन ये आदमी आया था, ये मदद कर रहा है अपनी मेड की, तो दैट्स, ये भी तो हो सकता है ना कि उस मेड की बरकत से अल्लाह ताला इसको इतना दे रहे हो कि ये दूसरों को और दूसरों की मदद करे, तो ये भी करके देख ले अल्लाह, उस औरत को तो रिस्क मिलना है, तो देखिए अल्लाह ताला ने उसका रिस्क कहां लिखा हुआ है कि एक ऐसे आदमी के जरिए उसको खिला रहा है कि जो आदमी खुद अल्लाह को नहीं मानता। जबरदस्त जबरदस्त, वो ऐसी जगह चली जाएगी जहां अल्लाह को मानने वाले हैं, वहां से मिल जाएगा उसको, उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसका कोई नहीं। और हजरत फिर ये इस्लाम ही है ना, मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम के अहकाम के ऊपर कि नबी की बीवी के ऊपर तोहमत लगती है और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं इसका खर्चा बंद कर दूंगा, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके कहा खर्चा नहीं बंद होगा जो तुम अल्लाह के लिए करते हो, खर्चा नहीं बंद होगा, ये है इस्लाम, ठीक है, ये इस्लाम का ही खासा है।